सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली हम निकल गए हैं कोटद्वार के लिए। तो सबसे पहले आज आप लोगों को दर्शन कराते हैं बाबा सिद्धबली के, जो कि हनुमान जी का मंदिर है कोटद्वार में। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस फटाफट हम पहुँचने वाले हैं। और इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो एक अलग फन है। तो चलिए सबसे पहले दर्शन कराते हैं, क्योंकि आज मंगल का दिन है, फिर अपना आगे की जर्नी पूरी करते हैं। तो 5 मिनट का ब्रेक लिया है अभी, चुटकी का मन थोड़ा अजीब सा हो गया है, क्योंकि वो कार में उसको सफोकेशन होती है, तो वोमिट से लगने लगता है। तो अभी 5 मिनट रुक के फिर यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। ठीक लग रहा है यहाँ? तो हम जा रहे हैं लैंसडाउन के साइड। तो ऑन रोड ये मॉन्टी मिलियन रेस्टोरेंट करके आया है, और ये लोकेशन देखिए कितनी बढ़िया है। तो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर और रह गया है। रोड वगैरह बढ़िया है और वेदर बहुत मस्त हो रहा है। ये आगे छुटकी, इस बार फैमिली के साथ जा रहा हूँ। तो नियर अबाउट 200 किलोमीटर के बाद, लगभग 4.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद, एक छोटा सा ब्रिज आया है, उसको पार करते समय ये सामने देखिए सिद्धबली जी का मंदिर दिख रहा है। तो अब वहाँ पर जाके गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं, फिर सबसे पहले दर्शन करते हैं हनुमान जी का, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मंदिर के पास एक अच्छा खासा यहाँ पे पार्किंग स्पेस है, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं, आराम से गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देते हैं पहले, फिर जाते हैं मंदिर के लिए। तो मंदिर से पहले ही यहाँ पे बहुत सारी मार्केट है, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अंदर जाना होता है, और ये है मेन द्वार, जहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हम मंदिर तक जाएंगे। जय हनुमान जी। बहुत बढ़िया छोटू, चलो 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 चलो। तो मंदिर से पहुंचने से पहले भी यहाँ छोटी सी कैंटीन है ऊपर के साइड में, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही, तो आप यहाँ पे भी रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग आराम से फिर ऊपर जाइए मंदिर के लिए, काफी सुंदर है यहाँ पे। जय बजरंगबली। हाँ बहुत सही रिद्धो, चलो चलो चलो। जय बजरंगबली। तो मात्र 10 मिनट की चढ़ाई के बाद हम मंदिर तक आ गए हैं। यहाँ का नजारा ही बेहद खूबसूरत है। यह मंदिर कोटद्वार कस्बे से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर खो नदी के किनारे पर स्थित लगभग 40 मीटर ऊंचे पहाड़ी पर बना हुआ है। इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि यहां तप साधना करने के बाद एक सिद्धबली बाबा को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई थी। सिद्ध बाबा ने यहां बजरंगबली की एक विशाल प्रतिमा का निर्माण किया था, इससे इसका नाम सिद्धबली पड़ा था। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन काल में एक मुस्लिम अधिकारी अपने घोड़े से कहीं जा रहे थे, जैसे ही वह सिद्धबली के पास पहुंचे वह बेहोश होकर गिर गए। उसको एक स्वप्न हुआ कि सिद्धबली की समाधि पर मंदिर की स्थापना की जाए। जब वो होश में आए तो उन्होंने आसपास के लोगों को अपने स्वप्न के बारे में बताया, तो वहाँ के सारे श्रद्धालुओं ने मिलकर एक सिद्धबली जी का एक विशाल मंदिर के निर्माण किया। तो आइए मेरे साथ दर्शन कीजिए सिद्धबली बाबा के। मंगलवार का दिन है और इतने श्रद्धालु होने के बाद भी हमें इतने अच्छे से दर्शन करने को मिला, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। तो मेरे साथ बोलिए जय बजरंगबली। तो अगर आप लोग भी कोटद्वार या लैंसडाउन आ रहे हैं तो सिद्धबली मंदिर ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बेहद खूबसूरत जगह पर बना हुआ है, बेहद खूबसूरत मंदिर है। ये खो नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ आना बहुत आसान है। यहाँ मन को एक बहुत अच्छी शांति मिलेगी आपको, और यहाँ पे हनुमान जी के बहुत अच्छे से दर्शन होंगे आपको।
यहाँ लोग मान्यता मांगते हैं, चुन्नियाँ बांधते हैं और धूप बत्ती लगाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और ये देखिए नीचे बहती हुई खो नदी, कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ सेफ्टी के लिए जाली लगा दी गई है, नहीं तो ये नज़ारा और खूबसूरत नज़र आता। और यहाँ कहते हैं कि मान्यता पूरी होने के बाद यहाँ लोग भंडारे का भी आयोजन करते हैं, जो कि बहुत भव्य तरीके से होता है, जिसकी बुकिंग पहले से ही करा ली जाती है। तो हमने भी अपनी छोटी सी मान्यता मांगी है और यहाँ पे हम चुन्नी बांध रहे हैं। बाकी यहाँ नज़ारा बहुत अच्छा है, मन को बहुत शांति मिल रही है। हम सुबह चले गए थे लेकिन यहाँ आने के बाद सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। तो अच्छे से दर्शन करके अब हम जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि यहाँ से नियर अबाउट 15 किलोमीटर्स है। उसकी बुकिंग मैंने ऑलरेडी पहले करवा ली थी, क्योंकि फैमिली के साथ हूँ, फैमिली के साथ मैं कोई भी रिस्क नहीं लेता हूँ, पहले से ही बुकिंग करा लेता हूँ। तो वो भी बहुत एक अच्छी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना ना भूलें, और नए व्यूवर्स जो भी हैं, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन भाई अपना ध्यान रखें।